नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज आउटडोर गेम्स. आउटडोर मतलब जो घर के बाहर खेले जाते हैं, उन गेम्स को हम आउटडोर गेम्स कहते हैं. ये कुछ गेम्स हैं जिन्हें हम घर के अंदर नहीं खेल सकते. इन्हें खेलने के लिए हमें ओपन स्पेस या बहुत बड़े जगह की ज़रूरत होती है. नंबर वन, शूटिंग. शूटिंग भी आउटडोर गेम है. शूटिंग के लिए हमें बहुत बड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है. नाउ साइकिलिंग. साइकिलिंग आप रोड पर करते हैं, पार्क में करते हैं या फिर खुले एरिया में करते हैं. बच्चों, हमें कभी भी सड़क के बीच में साइकिल नहीं चलानी चाहिए. द नेक्स्ट वन इज हॉकी. यू नो हॉकी इज आर नेशनल गेम. हमारा नेशनल गेम क्या है? हॉकी है. हॉकी को खेलने के लिए हमें हॉकी स्टिक और एक बॉल की ज़रूरत होती है. द नेक्स्ट वन इज फुटबॉल. फुटबॉल कहाँ किससे खेली जाती है? फुट से खेली जाती है. ये दो टीम के बीच में खेले जाने वाला गेम है. द नेक्स्ट वन इज क्रिकेट. क्रिकेट टीम में खेला जाता है. ये भी दो टीमों के बीच में खेला जाता है. हर एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं. क्रिकेट को खेलने के लिए हमें बहुत बड़े ओपन स्पेस की ज़रूरत होती है. द नेक्स्ट वन इज गोल्फ. गोल्फ किससे खेला जाता है? गोल्फ गोल्फ स्टिक और स्मॉल बॉल से खेला जाता है. यह गेम भी बहुत बड़े ओपन एरिया में खेला जाता है. नेक्स्ट इज हॉर्स राइडिंग, मतलब घुड़सवारी. क्या आप घुड़सवारी घर के अंदर कर सकते हैं? नहीं कर सकते. घुड़सवारी करने के लिए हमें ओपन स्पेस की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसे आउटडोर गेम कहा गया. द नेक्स्ट वन इज वॉलीबॉल. वॉलीबॉल भी दो टीम के बीच में खेला जाता है और दोनों टीम्स के बीच में क्या लगा होता है? नेट लगा होता है. नाउ द टाइम फॉर सम आंसर. विच इज आर नेशनल गेम. हमारा नेशनल गेम कौन सा है? आवर नेशनल गेम इज हॉकी. HOCKEY हॉकी. नेक्स्ट, इन विच गेम डू वी नीड अ हॉर्स. हमें कौन से गेम में हॉर्स मतलब घोड़े की आवश्यकता होती है? वी नीड हॉर्स इन हॉर्स राइडिंग. HORSE हॉर्स राइडिंग. RIDING राइडिंग. नेक्स्ट, नेम एनी टू आउटडोर गेम्स. आपको किन्हीं दो आउटडोर गेम्स के नाम लिखने हैं. तो एक आउटडोर गेम्स है गोल्फ, GOLF गोल्फ. एंड द नेक्स्ट वन इज फुटबॉल, FOOT फुट, BALL बॉल, फुटबॉल. तो बच्चों, आउटडोर गेम्स को हम किस लिए खेलते हैं? अपने आप को हेल्दी रखने के लिए. और आउटडोर गेम हमेशा घर के बाहर खेले जाते हैं.